शाहिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। कैसे हैं आप? जी सर, जी शाहिद आवाज भाई, आ रही कैसे सर? हैं आप? मैं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। साफ आ रही आप है। बताएं साहब भाई, जी क्या हाल मैं है ठीक आपका? हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ बड़ा इंतजार रेफरेंस करवाया लाने आपने वाले मुझे। थे जी लास्ट टीम में, जब आप आए थे तो आप जी जी कोई रेफरेंस लाने वाले थे। मैंने जो हदीस बताया था, आपने कहा था कि मैं चेक करके उसकी पूरी बात लेके आऊंगा, तो क्या आपने वो तहकीक की? ओ जनाबे, मैं आपको जवाब उसी वक्त भी दे सकता था। मेरे पास है था, मुझे पता है, पता था। मैं उस दिन भी जवाब दे सकता था। बात सिर्फ इसलिए नहीं उस दिन की थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले आपकी स्ट्रीम कभी नहीं देखी थी। तो वो सिर्फ आपका यह जो आप स्ट्रीम करते हैं, वो जरा कि मैं देखना चाहता था कि आप कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो उस वजह से मैंने कुछ थोड़ा सा टाइम लिया था। तो आप लेके आए वो रेफरेंस, आपने चेक किया? नहीं, हाँ मैंने चेक किया, मैंने चेक किया। वो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आया हूँ जवाब देने के जी लिए आया हूँ। और आपको इस चीज़ का पता है कि मैंने जितने मैसेज मैंने आपको किए हैं, शायद मैंने किसी और को किए हों। क्योंकि किसमें आपने किया था आपने? मंगल को कहा था मुझे, लेकिन फिर आपने की नहीं, तो मैं फिर आज आ गया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुरू करें ठीक है, बात। लेकिन आप वो रेफरेंस दे दीजिए। देखिए जनाब, मैंने बात इस तरह से है कि जब इस्लाम शुरू शुरू में फैल रहा था, तो उस वक्त के वो फैसले थे, वो 1400 साल पहले की बात है। आपको उस वक्त की बात इस दौर में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसके बाद इस्लाम ने मना फरमा दिया। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि ना किसी के खुदा को बुरा कहना है और ना किसी की इबादतगाह को आपने खत्म करना है। अच्छा, इस पे जी मैं दो जनाब, सवाल आपसे करूंगा, ठीक है? नहीं, पहली बात एक तो मिनट, एक मिनट, सिर्फ एक। आपने मुझे सिर्फ एक सवाल का मेरे का जवाब दें, उसके बाद जितने मर्जी सवाल कर लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, आप इस्लाम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मैं बैठा हूँ आपके सामने, बैठा हूँ, क्या कहते हैं उसको, फेस टू फेस बैठा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ। तो सवाल मेरा ये था कि सर, अगर आपने मजहब छोड़ दिया है, आपने कोई जिस भी मजहब से थे आप, आपने छोड़ दिया, वो थी आपकी मर्जी, ठीक हो गया। लेकिन मैंने जो ये आपके जितनी स्ट्रीमें, फिर मैंने निकाला यूट्यूब पर, निकाला आपका सारा डाटा, तो मुझे उसमें सिवाय इस्लाम के इस्लाम गलत दीन है, बस इस्लाम गलत दीन है, आप ये साबित करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये था कि आप खुलकर बात करें, खुलकर सामने करें कि आप इस्लाम मुखालिफ गुफ्तगू करते हैं, बस। आप ये जो जी, हमने भी स्ट्रीम है बहुत से, अगर करेंगे तो सिर्फ टच करके तो निकल जाएंगे। आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, मुझे वो जो हिंदुओं का भगवान है उसकी 16,000 बीवियां थी, इस पर स्ट्रीम करके दिखाएं जरा मुझे, तो मैं फिर देखूं कि वाकई साहब साहब वाकई चलो यार अच्छे। शाहिद मैं आपकी साहब, स्ट्रीम में, एक मिनट एक मिनट, बाद में कमल होने लगी है, एक जुमला सिर्फ। मैं आपकी स्ट्रीम आपकी में सिर्फ एक सवाल करूंगा, एक बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, बस लास्ट है मेरी बात करूं। बोलिए बोलिए। मैं आप आया था इस्लाम आपकी के हो स्ट्रीम, ना, आप क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं, कर तो रहा हूं, जवाब दे तो दिया है। अब बात, आखिरी चलिए, बात भी तो सुने तो ना। उस जवाब पहले उस जवाब के सवाल भी तो होंगे ना। मैं जवाब दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं इधर ही हूं, मैं कब तो पहले पहले वो डिस्कशन पूरा हो जाए, उसके बाद हाँ फिर वो आप कर नया लेते सवाल हैं, वो करिएगा। कर लेते हैं, लेकिन मेरा मौकफ तो सुन लें जनाबे, मन मेरा मौकफ, मौका आपने बता दिया ना, मेरी बात तो सुन लेना, आपने एक जुमला सिर्फ बोलूंगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बोलिए। वो ये थी कि
कि एक तो आप खुलकर जनाबे माने बात करें कि आप इस्लाम के खिलाफ हैं, दूसरा देखें आपने मुझे बात ही बुला दी। अब ये मेरा बड़ा, हाँ मैं आया था कि शायद कोई कोई पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो उसमें आप कोई पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो मुख्तलिफ मजाहब में कोई गलत चीजें हुई हैं, आप उन पर बहस करते हैं कि यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन बड़ी माजत के साथ आप सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे और कुछ नहीं आपने करना। जजाकअल्लाह खैरा, बिस्मिल्लाह, आप सवाल कर लें अपना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, आपने अपनी बात रखी। चलिए, आपने ये कहा कि वो जो काम किया था वो इस्लाम में 1400 साल पहले किया था, ठीक है, आप उसको अभी दलील नहीं बना सकते, ठीक है, ये आपका एक कहना था। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद साहब जो है वो 1400 साल पहले के लिए सिर्फ थे या कयामत तक के लिए थे? जब अल्लाह कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, के मोहम्मद साहब के अंदर जो है, मोहम्मद साहब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो क्या वो सिर्फ 1400 साल पहले सहाबा के लिए और उन लोगों के लिए था या कयामत तक के लिए था? दो सवाल आपके ऊपर हो गए। तीसरा सवाल ये कि सिर्फ मोहम्मद साहब एक मिनट ने, आप ना जरा थोड़ा सा आसा बोलेंगे, मैं आपके सवाल लिख लूंगा। आप सवाल ना लोगे गुफ्तगू, हाँ बोले आप आराम आराम से, बस बोलते जाएं ताकि मैं लिख लूंगा ना, तो इससे मुझे जवाब देने में आसानी हो जाएगी। जी चलो सर मैं हुक्म एक ही करें। सवाल करता हूं आपसे ताकि जी आपको सर लिखने की सर सर जरूरत नहीं पड़े। पहला हाँ नहीं सवाल नहीं आपसे पड़ेगी। ये है, पहला सवाल ये है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए था या कयामत तक के लोगों के लिए? जी जनाब, क्यामत तक के लिए था कयामत तक के लिए है ना? तो बिल्कुल। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 1400 साल पहली बात जो है अभी क्यों कर रहे हो? इस्लाम ओ जनाबे माने जब इस्लाम शुरू हुआ है वो उस वक्त की बात है, देखना फिर वो आप कर रहे हैं कि 1400 साल। अब जो कानून इस्लाम ने हमें दिया है कुरान पाक अहादीस की रोशनी में, उसमें हमें, मैं आपको गलत बता रहा हूं, मैं डंके की चोट पर आकर आपको कह रहा हूं कि वो एक कानून बन गया कि किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना और किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना। अच्छा, ये हाँ बना ये कानून कौन हाँ से जी, हदीस में कहाँ लिखा है ये? कहां किसी की लिखा है? इबादतगाह को नहीं तोड़ना, ये कौन सी हदीस में है, कौन से कुरान में है? यार ये हमारे उलमा ही हमें बताते हैं कि ऐसा है। मैंने उलमा आपको उलमा कहा के बोलने से था, मैं मेरी बात सुन लेना, मैंने देखिए आपसे कहा था मैं बड़ा छोटा पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, मैं ज्यादा हवाले ना लूंगा ना दूंगा, टू दी पॉइंट गुफ्तगु होगी। तो अब आपको आप मुझे शाहिद हवालों प्रिपेयर, का, मैं जो मेरी बात सुन लेना, शाहिद भाई आपको आप प्रिपेयर हो के साहिर आना भाई, चाहिए आप था जरा ना। को अपनी ऐनक उतारें, मोहब्बत करें, आप जरा अपनी ऐनक तो उतारे। मैं आपको कह रहा हूं कि अब इस्लाम अब हमें इजाजत नहीं देता, तो वो आप कहाँ मान है, ही नहीं रहे। कहां लिखा है, कहाँ है? कहां, क्या मतलब, क्या मुझे ये बता दें कि अगर इस्लाम में जो जो आप पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो फिर इससे क्या आप क्या हासिल, अभी आप क्या फिर उससे हासिल करना चाहते हैं? आप तो फिर सच की तलाश में तो नहीं है। एक आपने तो अपना मुद्दा, मिनट जो बात आपने कर दी है, आप उस पर खड़े हो गए हैं क्योंकि वो आपकी बात है, आपकी मर्जी है, आप अपनी शाहिद मर्जी भाई, को दूसरों पर तो नहीं ना थोप सकते। अच्छा, शाहिद भाई थोड़ी देर आप खामोश रहिए, अब गालिब भाई हमारे कुछ बात करेंगे आपसे। चलो, उन्होंने म्यूट कर हाँ लिया, गालिब भाई बोलिए। हाँ मैं शाहिद भाई को ये बोल रहा हूँ कि इस्लाम में है कि शिव जी की पूजा करना चाहिए। अब ये मेरी बात मान लेंगे क्योंकि ओ रिफरेंस जनाब तो इन्हें मन चाहिए। गालब भाईजान का एक कहाँ की बात कहाँ फिट कर रहे हैं यार आप। आपको रिफरेंस तो नहीं आपकी चाहिए ना, बात तो भी वैसी ही है। तो यार रेफरेंस की बात भाईजान ये है, क्या अमन से नहीं रहना चाहिए? तो रहना चाहिए, लेकिन इस्लाम, उस फिर इस्लाम का तरीका ओ वैसा जनाब नहीं है।
वो कोई चीजें कोई हमारे कोई जाहल जो पहले को पढ़े लिखे मौलवी नहीं थे उन्होंने घुसेड़ दी हैं, आपने उनको पकड़ कर तो आप शाहिद बैठ गए भाई, हैं। कोई आप शाहिद भाईजान किसी पढ़े भाई, लिखे बंदे के साथ बैठे, बड़ा दिल करें, बड़ा जहन करें, शाहिद भाई आप उनके आज साथ आप किधर बैठे। शांति से रह रहे हैं? शाहिद अच्छा भाई आप कोई आज आलिम को लेके आ सकते हैं शाहिद भाई? आपके देखो आपके पास रेफरेंसेस भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो आप कोई आलिम को लेके आ जाइए। अनम्यूट कर ले अपने आप को। अरे अनम्यूट कर लीजिए हजरत। अरे आप म्यूट पर हो शाहिद भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को शाहिद भाई। शाहिद भाई अरे बगैर यार भरे बुकिंग हमारे पास सुनेंगे कि अनम्यूट करना है। अरे अनम्यूट अनम्यूट करो, आप म्यूट पर हो चाचा जी, आप म्यूट पर हो, आप म्यूट पर हो, म्यूट पर हो, म्यूट निकालो, और जनाब मुझे निकाल पता दो। है मैं म्यूट पर हूं, मैं तो आपकी बात सुनने को, उन्होंने मुझे कहा म्यूट हो जाए, मैं म्यूट हो गया हूं। अच्छा, तो किधर शांति से रह रहे हैं अभी भी? मंदिरें वगैरह तो तोड़ रहे हैं पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान में शांति से रह रहे हैं। अच्छा, 3 मंदिर तोड़े गए हफ्ते में, जी फिर अच्छा गए हफ्ते में 3 मंदिर तोड़ी पाकिस्तान में। तो आपके फिर उलेमा की बात कौन नहीं सुनता है? अच्छा तो उलेमा की फिर बात कोई नहीं सुनता है आपके, अच्छा तो कौन सुनता है सारा, इनकी बात कोई सुनते हैं फिर हम। हदीस में लिखा हो या फिर कुरान की कोई आयत हो तो बताओ कि ये मतलब नहीं चलता है। यार कमाल होगी आपकी। ओ मैं जनाब मैंने कह रहा हूँ कि इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता, वो हमारे कहां से उलमा पता ने चला हमें आपको? बताया है। और यार हम आपको बता कहां तो से रहा पता हूँ कि चला हमारे ये? जो ये पढ़े जो हमारे बड़े जिन्होंने कोई दरसे निजामी किया हुआ है या जो पढ़े लिखे उलमा है उन्होंने हमें बताया हुआ है, तो कहां से बताया उन्होंने? तो उन्होंने कुरान से बताया होगा या कोई तफसीर हुई होगी उस पर, वो उस पर तफसीर उन्होंने पेश कर, बता तो दिया। अच्छा वो आप कुरान, किताबें में वो किताब मैं अच्छा बोल रहा हूं कि आप वो कुरान या वो तफसीर जो है ना या हदीस जो है वो पेश कर दे, मसला ही खत्म, हमारा मुंह हमारी बोलती बंद हो जाएगी, हम मान लेंगे कि अच्छा हाँ हमारी बात गलत थी। आप वो, आपको तो वक्त तो दिया था ना मैंने, आप आए मैंने हैं तो लिया आपको था तो हवाले लेके आना वक्त चाहिए था। आप कान में पेन लगा के बैठे हो, ऐसा लगा कि पूरा आज हवाला हवाला सब लेके आए हो आप। और यार सारा मेरी बात आपने पहले गौर ही नहीं की। और मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो समझा था कि शायद आप कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो उनमें मैं बात करूंगा तो उनकी समझ में आ जाएगी। आप तो वो है जिनको बिल्कुल अनपढ़ वाला बात कर रहे हैं, नहीं लिखा हुआ लाओगे तो फिर हम मानेंगे। अच्छा हम हवाला सर दे रहे मुझे हैं कोई हम, फर्क नहीं पड़े, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनाब, आप माने या ना माने, इस्लाम को अरे इससे कोई फर्क ही नहीं शाहिद पड़ना। भाई कौन से जी इस्लाम को सर फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तो कई तरह के इस्लाम को जानता हूँ। ना। यार मैं एक ही इस्लाम को जानता हूं जिसके 5 रुकन हैं बस। देवबंदी ठीक है वाला चलिए इस्लाम, शाहिद बरेलवी भाई, वाला इस्लाम, वानिश्ट वाला इस्लाम, शिया वाला इस्लाम, कौन सा वाला इस्लाम है? बरेलवी वाला, बरेलवी वाला, बरेलवी अहमद रजा खान बरेलवी वाला। ओके जी सर शुक्रिया शुक्रिया। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। अच्छा अगले बार आइएगा तो कोई एक आलिम को लेके आइए ताकि वो अपनी बात जो भी रखे वो हवाले के साथ रखे, वरना बिना हवाले के तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। ओ यार भाई ठीक है जी क्या मैं अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे दें कि आपने जो 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 मैं गलत कह रहा हूं, मेरे पास हवाला भी नहीं है तो इससे होगा क्या, निकले आप क्या उससे निकालना चाहते हैं, ये तो क्लियर करें थोड़ा सा मुझे। मान ली मैंने आपकी बात के इस्लाम में सारा इस्लाम खराब है, ओ भाई जान आपने उसमें से आप एक दो आपने मजहब भी छोड़ दिया है तो अब आप इधर बैठकर उसमें से क्या निकालना चाहते हैं, हम गलत हैं तो आप हमें कह दें आप गलत हैं बस ठीक हो गया, इससे इस्लाम को क्या फर्क पड़ेगा, आपकी ये जो गुफ्तगू हो रही है इससे इस्लाम को क्या खतरा है, एक मिनट ये तो शाहिद थोड़ा सा भाई, बताएं। दरअसल
दरअसल क्या है ना कि इस्लाम जो है ना वो लोगों की डेली लाइफ में बहुत दखलअंदाजी कर रहा है। अगर वो अच्छा दखलअंदाजी करना छोड़ दे तो हम लोग ये हरकत छोड़ देंगे। अच्छा 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 दखल अंदाजी किधर, इंडिया में हो रही है अरे ये सर जी, सारा? पूरी अच्छा दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया है। तो यार फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि अच्छा चलिए एक बात बताइए। आप जितनी मर्जी इधर बैठकर हदीसें भी दिखा लें, आपने कुरान भी दिखा लिया, लेकिन इस्लाम ने तो आप 1400 साल से जैसे चला आ रहा है उसने अच्छा कयामत शाहिद तक भाई, क्या रहना है। शाहिद भाई मेरा एक सवाल सुनिए। मैंने कुरान जी की एक जी आयत पेश की, ठीक है? मुझे आप ये सुनाए। बताइए, कुरान कहता है कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, ठीक है? ना सूरह बिल्कुल नहीं निसा की करेगा। आयत हाँ नंबर जी 48, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन अगर एक इंसान कोई 100 कत्ल कर दे और बलात्कार हाँ करता घूमे, मंदिर जी तोड़े, ठीक है, गुरुद्वारे तोड़े, सब करे, अल्लाह उसको माफ जो कर मर्जी सकता है, करे। अल्लाह माफ कर हाँ देगा, बिल्कुल कर तो देगा कौन कर सा बड़ा देगा। गुनाह है? जी, आखिरी बात नहीं समझ आई, आखिरी जुमला नहीं समझ में आया। मुझे ये बताइए कि आज अगर कोई आपके घर पे आपके घर वालों का कत्ल कर दे, ठीक है, हाँ और माफी चाहता हूं, मैं आपके घर वालों का बोल रहा हूं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? गुस्सा मत, मैं नाराज मत समझने के होइएगा। लिए ही बैठा हूँ सर, मैं तो अपनी तरफ से समझने के लिए ही आया हूँ। हाँ, अब आप सुनिए मेरी बात। आपके घर वालों को कोई कत्ल कर दे, ठीक है, और आपके घर में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, ठीक है, बीवी है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, सब, उनके साथ वो रेप करे, ठीक है, बलात्कार करे, माफी चाहता हूं, लेकिन समझ में आया इसके लिए मैं पूछ रहा हूं, माफ करना, तो ये बड़ा गुनाह है क्या? अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करे, वो बड़ा गुनाह है आपके नजदीक? अनम्यूट कर ले। अल्लाह के साथ जो शिरक करेगा वो बड़ा गुनाह है। आपके घर की बीवी औरतों के साथ हाँ रेप हाँ करे, हाँ वो जो भी बड़ा है, गुनाह वो सर बेटी है, बीवी है, बेटी है, माँ है, किसकी है? बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अल्लाह उसको माफ भी कर दे तो भी कर चलेगा देगा आपको? हाँ चलेगा चलेगा, वो इस तरह चलेगा कि यार वो हमारा अल्लाह है, हम जाने वो जाने, आपका तो तल्लक ही तो वो कोई नहीं बनता नाइंसाफी मैं उस नहीं हुई, अल्लाह से। नाइंसाफी नहीं हुई वो? नहीं, वो अल्लाह और अल्लाह का बंदे के साथ मामला है, जो 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 जिस मजहब में भी है, जिस मजहब में भी तो वो ऐसे ऐसा, अल्लाह तो सबके लिए है ना, वो खाली मुसलमानों का अल्लाह थोड़ा है, ये अच्छा तो ऐसा समझने वाली अल्लाह जो है, बात ऐसे नाइंसाफ अल्लाह को आप अल्लाह कैसे मान सकते हो जो नाइंसाफी करे लोगों के साथ? है। हाँ, हम मान सकते हैं। नहीं, वो नहीं ठीक इंसान, है अल्लाह चलिए, ताला अदल करता है, सास भी इसी तो में ये है। अदल क्या? देखिए देखिए, आपने अभी बोला अल्लाह अदल करता है, बराबर, अल्लाह इंसाफ करता हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल 100 कत्ल करने वाले को अगर अल्लाह माफ कर दे जी। तो ये अदल कैसे हुआ, इंसाफ कैसे हुआ? और यार भाई जान अल्लाह को कोई छोट वो, मेरी तो लाइट, एक हाँ मिनट। यस हाँ चलेगा, लाइट नहीं भी है तो चलेगा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। हाँ, मैं बैठा हूँ जनाब, बैठा हूँ, करें मैं बात बोल रहा हूँ, करें बात। आपने आपने अभी कहा कि अल्लाह अदल करता है, ठीक है, इंसाफ करता है, हाँ तो बिल्कुल एक बिल्कुल 100 कत्ल जी। करने वाले को अगर अल्लाह माफ कर दे तो ये इंसाफ कैसा हुआ, अदल कैसा हुआ, ये समझाइए हम लोगों को। देखिए, आपको ये 500 लोग समझाइए, देख रहे हैं, सोच ठीक समझ के है, बताइएगा, नहीं तो वरना आप इस्लाम का नाम ही खराब करेंगे। मैं क्यों इस्लाम का, मेरे बात करने से इस्लाम कैसे खराब हो सकता है जनाब? मैंने इस्लाम को इतना छोटा दीन है कि मेरे कहने से इस्लाम छोटा हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं चलिए जनाब? मैंने बताइए आप, कि अदल कैसा है मैंने कि एक कहा है कि इंसान 100 वो कत्ल अल्लाह, करे? ओ भाई जान मेरी बात है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, नहीं, उसमें अदल कैसे हुआ? नाम 100 अदल कैसे इंसानों हुआ? का कोई कत्ल कर दे और अल्लाह उसको माफ कर दे तो वो 100 इंसान जिनको नाहक मारा गया उनके साथ ये इंसाफ कैसे हुआ, ये बताइए आप। यार बंदा माफी भी तो मांग ही लेता है नहीं तो माफी मांगने से थोड़ी ना उसकी जो उसने जो 100 लोगों को कत्ल यार, वो किया उसको अल्लाह है, माफ, कोई जज है, कोई मैं और आप बैठे हुए हैं ना माफ करने वाले, वो अल्लाह ताला है, अल्लाह तो वो कम से माफ कम कर ये सकता है जनाब शाहिद भाई, कम से कम ये ना कहना कि अल्लाह अदल करता मन। है, ये कर दे, ये बोलिए कि अल्लाह जबरदस्ती करता है, उसकी मर्जी और है, नहीं वो जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करे। करता, वो आपको जबरदस्ती लगती है, वो आपके लिए जबरदस्ती है, हमारे लिए नहीं है जबरदस्ती।
चलो ठीक है, चलो आपकी समझ के हिसाब से वो इंसाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, आप आए। मैं दूसरे मोमिन भाई को भी मौका दे देता हूँ, हो सकता है उनके पास कोई जवाब हो। आप वीडियो को देखते रहिए। YouTube पर चला जाऊं कि इधर ही बैठूं? नहीं, इधर से मैं आपको निकाल देता हूँ, आप YouTube पे देखिए। चले ठीक ठीक है, है, मैं खुद ही चला जाऊंगा, ये नहीं, जा रहा बहुत हूं बहुत मैं। शुक्रिया आपका।